आज तारीख नहीं बता सकता मैं, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, 12 बज के कुछ मिनट हुई है और मैं सो रहा था। कॉल आई है भाई की और अभी देखते हैं। उसके हाथ पर वो चढ़ गया था, शुक्र है काटा नहीं है, कॉमन क्लियर हो सकता है, बाकी देखते हैं। काला सांप बता रहे हैं कौन सा है। कॉमन क्रेच सांप है। इसकी जो ऊपर की धारियां हैं सफेद, वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही, शायद इसके ऊपर कांजली आई हुई है। और ये बहुत खतरनाक है, अगर बाइट कर लेता, ये भगवान का बड़ा शुक्र है कि बाइट नहीं हुई, इसको नहीं काटता भाई को। और अगर ये बाइट कर लेता तो हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता, बड़ा शुक्र रहा बाइट नहीं की इसने। चलो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको डाल ही लेते हैं। ये सरक रहा है, इन सांपों का ये सीजन है, दिवाली तक ये निकलेंगे निकलेंगे। और इसी केवल यही सांप है जो रात को एक्टिव होता है, कॉमन क्रेच संचूर सांप बोलते हैं, और चिटकोड़िया हरियाणी में बोल देते हैं इसको। और ये सांप, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, कोबरा से 5-6 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। और इसकी खास बात ये है, खास बात लगाइए इसकी, गलत बात लगाइए, ये आदमी सोते हुए आदमी को काटता है, खाट पर बेड पर चढ़ जाता है, उसके उसके शरीर पर चलता है, और जहाँ पर उसको नब्ज़ की नब्ज़ महसूस होती है वहाँ पर काटने की बाइट करने की कोशिश करता है। और कई बार आदमी के हाथ पांव हिलते हैं तब भी ये डर के मारे काट लेता है। और जहाँ से मैंने अभी ये पकड़ा है वहाँ भी उस भाई के हाथ के ऊपर से ही चला गया था, उसने एकदम से इसको फेंका है और तुरंत मेरे पास फ़ोन किया। मैं तुरंत विदिन 5 मिनट 5 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच गया, उसको रेस्क्यू कर लिया। और इस भाई को अभी तो निशान कोई मिला नहीं है, फिर भी हम वेट करेंगे, करीब करीब 2-3 घंटे का वेट करेंगे, कोई लक्षण ना आए। वैसे तो काटा नहीं है इसको, चलो इसको तो सुबह ही छोड़ना पड़ेगा, इसको बांध के रख देते हैं सेफ जगह पे, और फिर सुबह इसको जंगल में छोड़ आएंगे। मेरे पास एक दो सांप और भी हैं, उनको भी छोड़ आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।